हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल अमन क्रिएटिव हैक में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बनाने वाला हूँ 3-in-1 जुगाड़, जो कि है एक एक्सटेंशन बोर्ड जो कि हम लोग अपने घर में यूज करते हैं। ये कोडलेस है और आप एक साथ इसे तीन चीज चला सकते हैं। तो यहाँ पर चाहिए आपका 2 70x70 सेंटीमीटर के MDF बोर्ड, जो कि मैंने सॉकेट लगाने के लिए यहाँ पर कट कर रखा है। कुछ इस तरीके से हमारा सॉकेट इसमें लगेगा। और चाहिए होगा आपको यहाँ पर 80x70 सेंटीमीटर के 4 MDF बोर्ड, जिसमें कि मैंने 3 SPST स्विच लगाने के लिए यहाँ पर कट कर रखा है, और यहाँ पर छोटे वाले 5mm की LED के लगाने के लिए कट कर रखा है। और यहाँ पर लगाएंगे 3-pin टॉप, और एक 80x70 सेंटीमीटर में हम लोग ने ये सॉकेट लगाने के लिए भी कट कर रखा है, कुछ इस तरीके से। तो चलिए फ्रेंड्स, सभी पहले सॉकेट फिट कर लेते हैं, उसके बाद आगे के प्रोसेस में चलेंगे। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसमें नट बोल्ट हमें मिलते हैं कुछ इस तरीके का, उससे हम लोग इसे टाइट कर लेंगे। तीनों में सेम प्रोसेस ही करना है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सभी में टाइट कर लिया है। ये देख सकते हैं, इस तरह से मैंने सभी में टाइट कर लिया नट बोल्ट से। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें यहाँ पर घिस कर इसके पॉइंट्स को, सॉकेट के पॉइंट्स को घिस कर यहाँ पर सोल्डरिंग कर लेना है, जिससे कि हम लोग यहाँ पर तार सोल्ड कर सके। क्योंकि हम लोग जिस तरह से इसका डिजाइन देंगे, उससे हम लोग यहाँ पर तार को कस नहीं सकते, मतलब टाइट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर सोल्डरिंग करेंगे, तो हम लोग सभी में यहाँ पर इस तरह से पहले सोल्डरिंग कर लेंगे, उसके बाद वायर को सोल्ड करेंगे। तो फ्रेंड्स, सभी सॉकेट के एक एक पिन पे हम लोग ब्लैक कलर का वायर, ऐसे प्लस माइनस में नहीं होता है, बट हम लोग एक साइन देने के लिए, समझने के लिए ब्लैक वायर एक लेंगे, जो कि हम लोग सभी सॉकेट के एक पिन पर सोल्ड करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, अब अच्छे से देखिएगा, जिससे कि आपको कनेक्शन इसकी समझ में आ जाए। अब फ्रेंड्स, देख सकते हैं जैसे कि मैंने फर्स्ट वाले पर सोल्डरिंग किया है, उसी तरीके से हम लोग सेकंड पिन में भी सोल्डरिंग करेंगे दूसरे सॉकेट के। देख सकते हैं फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से हमने सोल्डरिंग किया है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं जहां पर हमने दूसरे सॉकेट में पिन कनेक्ट किया था, वहीं से हम लोग फिर से एक वायर लेंगे ब्लैक कलर का, एक टुकड़ा लेंगे वायर का, और फिर से वहां से सोल्ड करके हम लोग तीसरे सॉकेट में सोल्ड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके का था इसका यह कनेक्शन। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ लेना है कि किस तरह से कनेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से हम लोग इसे फेविकॉल से चिपका देंगे। तो फ्रेंड्स, जब तक वो सूख रहा है और चिपक रहा है, तब तक हम लोग इस वाले बोर्ड का, इस वाले पीस का कनेक्शन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो हमने 3-pin टॉप खरीदा है, ये 10 रुपए का है, और ये बहुत ही इजी जुगाड़ है और बहुत ही सस्ता जुगाड़ है, जो कि हम लोग इसमें कर सकते हैं। यहाँ से हम लोगों को इसके सारे पार्ट्स खोल के अलग कर लेने हैं, उन सब का हम लोग जरूरत नहीं है, सिर्फ जरूरत है जो कि मैं आपको बताऊंगा, यही सब चीजों का जरूरत है सिर्फ। तो फ्रेंड्स, इन तीनों 6 चीज का हम लोगों को जरूरत है, और करना क्या इस तरह से है, इस तरह से करना है, इसे इस तरह से रख कर और यहाँ पर टाइट कर देना है। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं यहाँ पर ये सूख गया है, अब इसे हम लोग यहाँ पर इस तरीके से चिपका देंगे। तो फ्रेंड्स, आपको तीनों सॉकेट में जो आपने ब्लैक वायर सोल्ड किया है, वो कहीं से भी आप एक ब्लैक वायर को निकाल कर यहाँ पर लाके मेन लाइन में एक पिन में सोल्ड कर दे, जैसा मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, थर्ड वाले सॉकेट या फिर कोई भी आप सॉकेट में से जहाँ पर आपने ब्लैक वायर को सोल्ड किया है, वहीं से आप एक वायर को सोल्ड कर ले कुछ इस तरीके से, और फिर यहाँ पर लाके हमारे टॉप के पिन के एक पिन से कनेक्ट इसे कर दे कुछ इस तरीके से। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर सारे कनेक्शन हो गए हैं, अब इसे हम लोग इस तरीके से चिपका के बंद कर देंगे। होप यू फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे इसका कनेक्शन। फ्रेंड्स, अभी ये पूरा नहीं हुआ है, अभी चलते हैं इसके सेकंड कनेक्शन पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लगाएंगे हम लोग 3 SPST स्विच। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 SPST स्विच को मैंने फिक्स करके यहाँ पर ग्लू गन से फिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर 5mm की 3 LED लेंगे हम लोग रेड कलर की, और यहाँ पर इस तरीके से फिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, इसमें AC में निगेटिव और पॉजिटिव नहीं होता है, तो आप कोई भी लेग इसका यूज कर सकते हैं कनेक्शन में। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने LED और SPST स्विच को फिक्स कर लिया है। अब चलिए इसके कनेक्शन कर लेते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको छीला हुआ वायर चाहिए, जिसका कवर मैंने उतार लिया है, और यहाँ पर
स्विच के तीनों पिन को एक साथ कनेक्ट करना है, तो यहाँ पर इस तरीके से मैं कनेक्ट करूंगा, या फिर आप तीनों वायर हो आपके पास तो उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने कनेक्शन कर दिया है, तीनों स्विच के एक पिन को मैंने एक साथ कनेक्ट कर दिया है। अब आपको क्या करना है, बल्ब के एक पिन को लेकर, कोई भी एक पिन को लेकर आपको स्विच से कनेक्ट कर देना है कुछ इस तरीके से। और फ्रेंड्स यहाँ पर अच्छे से सोल्डरिंग कर दीजिएगा जिससे कि ये खुले ना, कुछ इस तरीके से आपको कनेक्ट करते चले जाना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने सभी एलईडी बल्ब्स के एक टर्मिनल को मैंने स्विच के एक एक टर्मिनल में कनेक्ट कर दिया है। अब आपको क्या करना है, कोई भी एक सौ वायर जो हमारे पास बचा है उसे आपको सीधा इस तरह से कनेक्ट करते चले जाना है। बल्ब के तीनों पॉइंट्स को जो बचा हुआ है उसको एक साथ कनेक्ट कर देना है कुछ इस तरीके से। सोल्डरिंग मैंने कर दिया है। अब आपको यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेना होगा, 68K का रेजिस्टेंस या 100K का या 120K का रेजिस्टेंस, आप हाफ वाट हाफ वाट या क्वार्टर वाट में लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं क्वार्टर वाट में लिया हूँ, आप हाफ वाट में लगा सकते हैं एक, आप चाहो तो तीन भी लगा सकते हो तीनों एलईडी के लिए, पर मैं अभी यहाँ पर फिलहाल एक यूज कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख रहे हैं रेजिस्टेंस का एक और लेग जो हमारे पास बचा था, वहां पर एक रेड वाइट कलर का वायर सोल्ड करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया इसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता, तो आप यहाँ पर कोई भी कलर का वायर यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए सिर्फ यूज कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आपको एलईडी के एक एक पिन से आपको वायर सोल्ड करते चला जाना है, वो भी रेड कलर का। मैं सभी एलईडी में से एक एक वायर निकाल रहा हूँ जो मैंने स्विच में डाले थे उसमें का एक एक पॉइंट में से मैं कनेक्शन कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब फ्रेंड्स जो हमने ये तीनों वायर को एक साथ कनेक्ट किया था, स्विच के तीनों सॉकेट को पिन को एक साथ कनेक्ट किया था, वहां से एक ब्लैक कलर का वायर निकालेंगे, ये वाला, ये ब्लैक वायर का छोटा सा टुकड़ा है उसे हम लोग यहाँ पर सोल्ड कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने सोल्ड कर दिया। अब चलिए आगे कनेक्शन मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स अब देख सकते हैं ये जो ब्लैक वायर हमारा है जो हमने स्विच से निकाला था, ये जाएगा हमारा 220 वोल्ट के जो थ्री पिन प्लग था उसके एक टर्मिनल पे। पहले हमने एक टर्मिनल सॉकेट से कनेक्ट कर रखा है। कुछ इस तरीके से। अब फ्रेंड्स जो देख सकते हैं आप, जहां पर मैंने ब्लैक वायर सारे में कनेक्ट किया था सॉकेट में, एक एक ब्लैक वायर कनेक्ट किया था, वहां पर जो हमारा रेजिस्टेंस का वायर है एक वायर निकला था रेड कलर का, उसे हम लोग कनेक्ट कर देंगे उसी अनुसार से ये इस पे इंडिकेटर वर्क करेगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर जो रेजिस्टेंस का वायर था वो मैंने एक सारे सॉकेट के एक पिन पे कनेक्ट कर दिया जो हमने ब्लैक वायर से जोड़ा। अब हमारा बस बचा ये तीन वायर जो कि हम लोग सॉकेट के एक एक पिन जो हमारे पास बचा हुआ है उस पर सोल्ड कर देंगे। ठीक है, अब फ्रेंड्स इसे हमें चिपका देना है कुछ इस तरीके से इस बॉक्स के ऊपर। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर हमने पूरा कनेक्शन इसका कर लिया है और यहाँ पर हमने इसे चिपका भी दिया है। आपको लग रहा हो कि अब ग्लो कर रहा है, पर ये फ्लैश लाइट के कारण ग्लो कर रहा है, और इसके अब नीचे से हम लोग इसे बंद कर देंगे। तो इस तरीके का पीस मैंने रखा हुआ है और इसे इसे बंद मैं कर दूंगा। फ्रेंड्स इसका कनेक्शन डायग्राम में मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, उससे आपको अच्छे से समझने आ जाएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर 3-in-1 जुगाड़ गैजेट हमारे पास तैयार है, जिससे कि लोग एक बार में तीन चीज़ों को टेस्ट करके इजली चार्ज कर सकते हैं। जैसे मोबाइल को एक बार में तीन चार्ज करना चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर सॉकेट के साथ इंडिकेटर दिया गया है, तो चलिए आपको टेस्ट करके दिखा देते हैं इसे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो बोर्ड है वो तैयार हो गया कुछ इस तरीके का। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बार बता दूँ, जो यहाँ पर आप तीनों एलईडी में जो मैंने लगाया था 68K का रेजिस्टेंस, वहाँ पर आप तीन रेजिस्टेंस का यूज़ करें, तीनों एलईडी के लिए तीन रेजिस्टेंस का यूज़ करें, क्योंकि आपकी ज़्यादा वोल्टेज आ जाती है तो उससे आपकी बल्ब जो है फ्यूज नहीं होगी। तो चलिए फ्रेंड्स अभी से आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ये वाला बोर्ड मैंने बनाया था पहले भी, इसका वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। अब चलिए एक बार मैं आपको एक एक करके टेस्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स पहला मैंने ये वाला टेस्ट करूँगा, इसमें मैंने एक चार्जर लगाया है कुछ इस तरीके का, देख सकते हैं। और यहाँ से मैं स्विच, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर इंडिकेटर जो हमारा ग्लो कर रहा है, इसका मतलब हमारा बोर्ड है जो ऑन हो गया है। अब फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर एक मोबाइल लिया, अब मैं आपको इसे चार्ज करके दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर जो है काम कर रहा है, चार्ज हो रहा है हमारा मोबाइल।
तो अब फ्रेंड्स मैं आपको एक बार में तीनों का टेस्ट करके दिखाऊंगा। यहाँ पर मैंने तीसरा चार्जर लगाया तो देख सकते हैं यहाँ एलईडी जो है ग्लो करने लगी है। यहाँ पर भी मैं आपको एक देख सकते हैं फ्रेंड्स ये वाले भी मोबाइल जो है चार्ज होने लगी है। अब मैं आपको थर्ड चार्जर टेस्ट करके दिखाऊंगा, ये वाली, इसे भी मैं इस तरफ कनेक्ट कर दिया हूँ और यहाँ पर से दे दिया। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स अब इस मोबाइल में मैं लगाऊंगा तो देख सकते हैं फ्रेंड्स ये वाली मोबाइल भी चार्ज होने लगी है। तो एक बार में आप तीन मोबाइल तीन पंखे जो भी हो आप चला सकते हैं। इससे आप कम ही लोड का चीज चलाएं, जैसे मोबाइल चार्ज करें, फैन चला लें, ज़्यादा हाई पावर का आयरन मिक्सर चलाने का या फिर कूलर चलाने की कोशिश ना करें, क्योंकि इसमें मैंने कम पावर के तार डाले हैं, वायर डाले हैं और स्विचेस डाले हैं। आप चाहो तो इसमें मजबूत स्विच डाल सकते हैं और मजबूत सा वायर डाल सकते हैं जिससे कि आप कूलर भी चला सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स अभी भी ये चार्ज हो रहा है और तीनों बोर्ड हमारे काम कर रहे हैं। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, आप इसे चाहो तो बंद कर सकते हैं, आप चाहो तो इसे बंद कर सकते हैं और हम सिर्फ इसे यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स अभी कोई भी वर्क नहीं कर रहा है तो आप इससे थ्री, तो फ्रेंड्स आप एक बार में इससे तीन चीज़ चला सकते हैं। जैसे कि आपके घर में कहीं पर एक जगह पर एक ही बोर्ड है, सिस्टम है, तो वहाँ पर आप इसे लगाकर तीन चीज़ एक बार में चला सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया। ये देखिए फ्रेंड्स तीनों मोबाइल एक बार में चार्ज हो जा रहे हैं। तो ये आज का वीडियो कैसा लगा आपको एक बार जरूर कमेंट में बताइएगा। तो फ्रेंड्स आपको ये गैजेट कैसा लगा आप एक बार जरूर कमेंट, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, पर कारण बताइएगा कि आपने डिसलाइक क्यों किया है, क्या आपको इसमें अच्छा नहीं लगा कि मैं आपको अगले बार में इम्प्रूव करूँ। आप इसे कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसे कैरी कर सकते हैं और ले जा सकते हैं बाहर के यूज़ करने के लिए। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ऐसे ऐसे नए गैजेट्स को बनाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और ऑल पर जरूर क्लिक करिएगा।